ये फेस का ये जब स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर है आपका प्रोपगेशन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। नया चैप्टर है प्रोपगेशन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रोपगेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखिए क्या है। अब रे की डेफिनेशन, रे का मतलब रेज, रेज का मतलब शुआइन होता है ना, रेज रेज का मतलब शुआइन। रे की डेफिनेशन क्या है, रे इज द पाथ और डायरेक्शन टेकन बाय द लाइट, रे इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन विद एन एरो। रे क्या होती है, वो डायरेक्शन या वो रास्ता इस पर लाइट ट्रेवल कर रही है, और उसको हम शो किस तरह करते हैं, एरो से शो करते हैं। रे रिप्रेजेंट बाय स्ट्रेट लाइन, रे को स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं। रे को रेस को इस तरह यूं करके शो नहीं करते, रेस की तरह शो नहीं करते, रे को स्ट्रेट लाइन में शो करते हैं। और किस डायरेक्शन में रे जा रही है आपकी, रे का मतलब रेस, एक रे होगी तो वो रे कहेंगे, एक से ज़्यादा रे होगी तो रेस कहेंगे। किस डायरेक्शन में जा रही है वो डायरेक्शन बता दिया, इधर एरो बना हुआ है तो डायरेक्शन रे की इधर है, अगर इधर एरो बना होगा तो डायरेक्शन किधर होगा, ठीक है। ये रे अब है बीम, बीम क्या है, बीम द स्ट्रीम ऑफ लाइट एनर्जी विच इज रिप्रेजेंट बाय नंबर ऑफ रेज विच मे बी डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग ऑफ पैरेलल। बीम क्या होती है, बहुत सारी रेज को एक साथ इकट्ठा जब शो किया जाएगा, ये बहुत सारी रेज से जा रही है ना, बहुत सारी रेज आ रही है, ये बहुत सारी रेज आ रही है, ठीक है। उसी तरह ये बहुत सारी रेज आ रही है, इसे कहते हैं बीम। बीम इज अ स्ट्रीम ऑफ लाइट, लाइट की स्ट्रीम है पूरी, लाइट एनर्जी विच इज रिप्रेजेंट बाय नंबर ऑफ रेज, कितनी रेज जा रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 रेज जा रही हैं, ठीक है। अब ये बीम जो है डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग, डाइवर्ज का मतलब होता है फैल जाना, जैसे देखो यहाँ इसका मतलब लाइट यहाँ से आ रही, आगे आके फैल रही है, ठीक है, लाइट आगे फैल रही, आगे जाएगी और फैलती चली जाएगी, इसे कहते हैं डाइवर्ज होना। डाइवर्जिंग मतलब रेस का, बहुत सारी बीम का आगे जाके फैल जाना, इसे कहते हैं डाइवर्ज होना। और कन्वर्जिंग मैंने कन्वर्ज होना एक जगह पर ही, एक से देखो बहुत सारी रेस फैली भी आ रही है वही जगह पर, ये आगे आगे मैं और बढ़ाऊँ उसको, आगे जाके पॉइंट में फिक्स हो जाएंगी, फोकस करिए एक पॉइंट के ऊपर, इसे कहते हैं कन्वर्ज होना, ठीक है। डाइवर्ज का मतलब फैल जाना, लाइट निकल रही है डाइवर्ज हो रही है फैल रही है, और कन्वर्ज का मतलब बहुत सारी लाइट रेस आ रही है किसी एक पॉइंट पर आकर कन्वर्ज हो रही है, सिकुड़ रही है, सिमट रही है जगह पर, देखो बहुत सारी रे आ रही है, अगर मैं आगे बढ़ाऊँ इसे देखो आगे बढ़ाऊँ इसे देखो आगे, आगे जाके एक एक ही पॉइंट पर सब मिल जाएंगे, इसे कहते हैं कन्वर्ज होना, ठीक है। या पैरल, तो बीम या तो डाइवर्ज होगी या कन्वर्ज होगी या पैरल, ये पैरल हो रहा है ना, पैरल रे थे, ठीक है। अब शेडो क्या होता है, वी नोट सम डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, वी आर कॉल्ड बैक अप, ऐसा कोई भी बॉडी जिसमें से लाइट पास ना हो सके। मिसाल के तौर पर मेरे अभी ये रोशनी, ये रोशनी पड़ रही है, इसकी रोशनी आ रही है ना, मेरी रोशनी सामने अपना हाथ लिया जाता है कि मेरे हाथ का साया बन गया, ठीक है। ये मेरा हाथ जाके लाएगा ओपैक ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट रे को गुजरने ना दे। अब इस मेरे इस हाथ की जगह फर्स्ट करो एक शीशा है, शीशा और आईना में फ़र्क बताया था ना क्या होता है, आईना यानी मिरर, शीशा यानी गिलास, गिलास में क्या होता है दोनों साइडें उसकी पॉलिश नहीं होती, प्लेन होती है। अगर मैं लाइट रेस के सामने आईना रख दूंगा, वो शीशा रख दूंगा यानी गिलास रख दूंगा, तो लाइट रेस से टकरा के आर पार निकल जाएगी। लेकिन अगर लाइट रेस के सामने मैं वो आईना रख दूंगा यानी मिरर रख दूंगा, तो लाइट टकरा कर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो मिरर से लाइट रेस टकरा कर रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो गिलास से लाइट रेस गुजर जाती है, आर पार निकल जाती है। शेडो कहते हैं साया को, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट रेस अपने गुजर जाए, मैंने अपना हाथ रखा था लाइट रेस यहाँ पर आ रही, मेरे हाथ के अंदर से गुजरती भी नहीं जा रही, नहीं गुजर पा रही ना, तो डिफ्रेक्ट रिफ्लेक्ट हो रही है। तो जिस ऑब्जेक्ट से लाइट रेस आर पार गुजर ना सके, ऐसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं ओपैक ऑब्जेक्ट, ठीक है। और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कहते हैं, साया बन जाती है, मेरे हाथ का साया बन जाता है, उंगली नजर आ रही, साया बन जाता है। ठीक है, इस शेडो का दूसरा नाम है अमरा, UMB अमरा, शेडो भी कहते हैं अमरा भी कहते हैं, वही जो मैंने समझाया वही लिखा गया। जब बैक ऑफ, जब कोई पैक ऑब्जेक्ट को किसी लाइट के सामने लाया जाएगा तो उसका एक साया बन जाएगा। देखो एक बल्ब है,
मिसाल के तौर पर ये देखो जिस तरह ये अपना ज़रा ये बल्ब है, ठीक है ना, बल्ब से रोशनी निकल रही है, ज़ाहिर बात है रोशनी निकल रही है, तो आपने कोई ऑब्जेक्ट लेकर आ गए, वो पैक ऑब्जेक्ट लेकर आ गए, अब क्या करें, बल्ब रोशनी निकलेगी तो इससे पास नहीं हो सकेगी, इससे जो बल्ब रेस से रोशनी निकल जो आगे से रेस जाएगी वो तो आगे से जल्दी निकल जाएगी, जो बिल्कुल ये वाली रेस जो आ रही है अंदर अंदर जो इससे टकरा रही है, जो ऑब्जेक्ट से टकरा रही है, तो वो उससे ऑब्जेक्ट गुजर नहीं पा रही, तो उसका साया बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, उसका साया बन जाएगा, इस साया को शेडो कहते हैं या अम्ब्रा भी कहते हैं, और इसी तरह इक्लिप्स जिसे हम कहते हैं मून इक्लिप्स, सूरज ग्रहण चांद ग्रहण जो कहते हैं वो भी इसी वैसे होता है। ठीक है, ये हो गया शेडो की डेकोरेशन, वीक की डेकोरेशन, डे की डेकोरेशन। हमारे पास है पिन होल कैमरा, क्या होता है पिन होल कैमरा, सबसे पहला कैमरा जो था वो पिन होल कैमरा ही हमारा था, होता क्या है, पिन होल कैमरा इज वन ऑफ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन का मतलब लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, लाइट यूँ नहीं घूम रही थी, वेव की तरह नहीं, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, वैसे तो लाइट वेव ही होती है, लेकिन हम जो जब लाइट रेस को जब मेंशन करते हैं बोलते हैं भाई वो लाइट रेस क्यों आ रही है, बीम की तरह आ रही है, ठीक है ना, लाइट रेस आ रही है, दर्शन में आ रही है, दर्शन में आ रही है। पिन होल कैमरा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, यानी लाइट यूँ ट्रेवल करती यूँ जाएगी, फिर यूँ मुड़ जाएगी, अपनी मर्जी से यूँ मुड़ जाएगी, जिस तक ट्रैवल नहीं करेगी, लाइट निकलेगी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी, लाइट यूँ नहीं होगा कभी यूँ जा रही है, यूँ जैसे कोई गाड़ी जा रही है यूँ आ रही है, यूँ मुड़ रही है, फिर यूँ मुड़ गई, फिर यूँ मुड़ गया, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होगा, लाइट जब भी ट्रैवल करेगी किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी, यूँ तो यूँ जा रही होगी या तो यूँ जा रही होगी, ठीक है, इस तरह नहीं कि यूँ घूम गई फिर इधर ऊपर चलेगी फिर नीचे चलेगी, इस तरह नहीं होगा, तो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, इसे कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, इसको कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ठीक है। इट वॉज इन्वेंटेड बाय Leonardo da Vinci in the 16th century on the basis of Arabic invention in the 11th century by Ibn Hisham to observe the eclipse of the sun without damaging eyesight. The pinhole camera जो याद किया था Leonardo da Vinci 16th century में, ऐसे याद किया था एक अरबी साइंटिस्ट था इब्न अल हैशम, उसने जो है एक जो है इन्वेंशन की थी कि हम जो है सूरज को देख लें बगैर आँख को ख़राब हुए हुए, इन्हें सूरज को भी देख लें हमारी आँख भी ख़राब ना हो, तो उसने इन्वेंशन दिया, ठीक है, इट इज़ आल्सो कैमरा ऑब्स्क्यूरा या डार्क रूम भी, डार्क रूम भी कहते हैं, इट कैसी ये होता है कि पिन होल कैमरा को डार्क रूम भी कहते हैं, पिन होल कैमरा को डार्क रूम भी कहते हैं, एक तो ये कैमरा है एक तो पिन होल कैमरा, इट कंसिस्ट ऑफ रेक्टिलिनियर बॉक्स, ये क्या होता है ये आप देख रहे हैं बॉक्स, रेक्टिलिनियर बॉक्स एक बॉक्स है जैसे देखें बॉक्स की शक्ल नज़र आ रही है ना, ये रेक्टिलिनियर बॉक्स है और रेक्टेंगुलर बॉक्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स का मतलब जैसे कि ये वाला अगर मैं इसका एक्सेस ले लूँगा, इसका वाई एक्सेस ले लूँगा, इसको जेड एक्सेस अगर तस्वर कर लूँ तो सब में 90-90 का एंगल होगा, रेक्टेंगुलर बॉक्स है कंटेनिंग अ वेरी स्मॉल होल इन वन साइड, इसके एक साइड पर यहाँ पर देखें यहाँ पर एक जब बारीक सा सुराख होता है, ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इसके एक किसी भी एक साइड जाता है, इस साइड पर जाता है, इस साइड पर जाता है, ऊपर जाता है, किसी भी एक साइड पर एक बॉक्स बारीक सिर्फ एक सुराख होता है, ठीक है, और कहीं पर सलाख नहीं होता, एंड द फ्रोस्टेड ग्लास प्लेट, वो वेरी स्मॉल होल वन साइड द फ्रोस्टेड ग्लास प्लेट ट्रेसिंग पेपर और स्क्रीन ऑन द अपोजिट साइड और यहाँ पर इसके जो है ग्लास की प्लेट लगी हुई होती है, ट्रेसिंग पेपर होता है यहाँ पर मौजूद होता है इसके अंदर, वन द रेज ऑफ लाइट कम अक्रॉस द होल, अब यहाँ तक बस मैंने कोई यहाँ पर लाइट आ रही है, ठीक है, क्या होता है भाई अब यहाँ से ये सूरज है, फर्स्ट पर ये सूरज यहाँ पर सूरज है, ठीक है, यहाँ पर सन है, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट खड़ा किया, ऑब्जेक्ट अगर कोई भी बॉडी खड़ी की है, ये बंदा खड़ा हुआ है या बच्चा खड़ा हुआ है, कोई भी बंदा खड़ा हुआ है, लाइट रेज आएगी, सूर्य की रोशनी आएगी, इस ऑब्जेक्ट से टकराएगी, ऑब्जेक्ट टकराएगी उसका साया बनाएगी, सारे बातें ऑब्जेक्ट टकराएगी, लाइट रेज ऊपर से भी गुजरेगी, इससे भी टकराएगी, यहाँ से अब लाइट रेज जो यहाँ से जाएगी, जो लाइट रेज यहाँ से आएगी इस सुराख से गुजरेगी, गुजरात से गुजरने के बाद अंदर जाके यहाँ पर जो हमने आपको बताया था हमने ग्लास प्लेट लगाई हुई है, ट्रेसिंग पेपर लगाया हुआ, यहाँ पर उसका इमेज बनेगा, जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका यहाँ पर इमेज बनेगा, वन द रेज ऑफ लाइट कम अक्रॉस द होल इनटू द कैमरा, इस कैमरा में सुराख से लाइट अंदर जब जाती है
इन्वर्टेड एंड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म। यहाँ पर उसके अंदर उस कैमरे के अंदर जो हमने ग्लास लगाया था, ग्लास की प्लेट लगाई थी और हमने स्क्रीन लगाया हुआ था, स्क्रीन लगाया था पूरी साइड पर या ट्रेसिंग पेपर लगाया था, यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का वो बनेगा, क्या बनेगा, इमेज बनेगा। और वह इन्वर्टेड वैली उल्टा होगा, ये अगर बंदा अगर खड़ा हुआ है, अगर पेंसिल पास मैंने पेंसिल रखी भी सामने यूँ, इसका इमेज यूँ बनेगा, इसे कहते हैं इन्वर्टेड इमेज बन जाए। बंदा अगर खड़ा हुआ है यूँ तो सर ऊपर होगा, इमेज क्या बनेगा, यूँ सर नीचे चला गया, ठीक है, इस तरह करके इसे कहते हैं इन्वर्टेड इमेज बनना। इन्वर्ट रियल इमेज बने नहीं, रियल बाकी इमेज बनेगा, हकीकी इमेज बनेगा, इमेजनरी इमेज नहीं होगा, रियल इमेज बनेगा। और ऑब्जेक्ट इज फाउंड ऑन द बैक ऑफ द कैमरा, कैमरा के बैक पर बनेगा। वर्किंग क्या है, एट द एज ऑफ अ नैरो पेंसिल अ रे स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए, एट द एज ऑफ अ नैरो पेंसिल अ रे स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए पासेस थ्रू द पिन होल ओ, ठीक है, ये आपका ओ है, ओ पॉइंट है, ठीक है, एट द एज ऑफ अ नैरो पेंसिल अ रे स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए, पॉइंट ए से रेस आएगी यहाँ से गुजरेगी अंदर, और पॉइंट ए पासिंग थ्रू द पॉइंट ओ, इस पॉइंट ओ से गुजरेगी एंड इल्यूमिनेट्स अ स्मॉल एरिया एट ए। सिमिलरली अ रे स्टार्टिंग फ्रॉम सी इल्यूमिनेट्स अ स्मॉल एरिया ऑफ सी, इसी तरह जहाँ से भी लाइट रेज आ रही होंगी वो भी आएगी, वो भी यहाँ से अंदर जाएगी, इस गोलाकार से अंदर जाएगी। इन दिस वे पॉइंट लेइंग बिटवीन ए एंड सी, बिटवीन ए एंड सी इल्यूमिनेट्स करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ए डैश एंड सी डैश एंड अ रियल इन्वर्टेड इमेज ए डैश सी डैश ऑब्जेक्ट इज फॉर्म। तो यहाँ से भी लाइट रे आ रही है, यहाँ पर आपने कोई बंदा खड़ा किया हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज़ खड़ी की गई, लाइट रे यहाँ पर आएगी, सुराग से गुजरेगी, लाइट रे यहाँ पर आएगी, सुराग से गुजरेगी, तो ए सी का इमेज जो बनेगा ए डैश सी डैश उल्टा बनेगा। स्पिन रोल कैमरा के अंदर ये खास बात है, गुजरते ही रोश उल्टा से इमेज बनेगा। अ ब्लर इमेज रिजल्ट इफ द होल इज मेड मच लार्जर देन अ पिन होल कैमरा देन अ पिन होल, अगर इस सुराग का बहुत ज़्यादा बड़ा कर देंगे तो इमेज जो है धुंधला बनेगा, थोड़ा जितना छोटा होगा उतना अच्छा शार्प इमेज बनेगा। बिकॉज अ लार्ज होल इज सपोज टू बी अ ग्रुप स्मॉल होल क्लोज टुगेदर, लार्ज होल का मतलब बहुत सारी लाइटें घुस जाएंगी, उसकी वजह से इमेज जो है बहुत धुंधला बनेगा। इफ अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू द पिन होल परपेंडिकुलर टू बोथ ऑब्जेक्ट एंड द इमेज, अगर लाइन ड्राफ्ट ड्रा करें बिल्कुल इस पर सीधी लाइन ड्रा करें, यह आपका इमेज है, यह आपका ऑब्जेक्ट है, इमेज और ऑब्जेक्ट के लाइन ड्रा करें। इफ अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू द पिन होल कैमरा टू बोथ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इट मे बी प्रूव बाय सिमिलर टू सिमिलर ट्राइंगल, तो बिल्कुल सेम ट्राइंगल बनेगा, जिस तरह ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल नहीं है, जैसे एक ये ट्राइंगल है, तो सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होता है, जिसका रेशो जो होता है इक्वल होता है, ठीक है, इसकी साइड इसकी साइड इसकी साइड इसकी साइड इसकी साइड इसकी सबका रेशो सेम रहेगा, यानी इसकी साइड को इसकी साइड डिवाइड करा दो, इसी साइड की लेंथ को इस साइड की लेंथ डिवाइड करा दो, इस साइड की लेंथ को इस साइड की लेंथ से डिवाइड करा दो, सबका रेशियो इक्वल आएगा। लाइन ड्रॉन थ्रू द पिन होल कैमरा टू बोथ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इट मे बी प्रूव बाय सिमिलर ट्राइंगल, ट्राइंगल तो आपका सिमिलर ट्राइंगल बनेगा, ठीक है, ये आपका पिन होल कैमरा है। तो पिन होल कैमरा कुछ नहीं होता, सिर्फ एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, उसके किसी एक साइड पर बारीक से सुराख करते हैं, यहाँ पर अंदर जो ग्लास प्लेट लगी हुई होती है, ट्रेसिंग पेपर होता है या स्क्रीन होता है, जिसके ऊपर इमेज बनता है, ठीक है, ये हो गया आपका वर्किंग डिस्प्ले।